नहीं छोड़ूंगी। क्यों सरपंच, भूल गया मुझे, मैं हूँ भवरी। इसके बाद वो अपना रूप बदल लेती है और चुड़ैल बन जाती है, तो सब डर जाते हैं। भरतपुर नाम के गांव में लोग बहुत ही हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी तो तब बदल गई जब एक मोमोज वाली उनके गांव में आई। वो मोमोज वाली कोई मामूली औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जो उनके गांव में मातम मचाने आई थी। एक दिन दोपहर को कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे, तभी एक दिन खुशी नाम की एक औरत एक गाड़ा लेकर आती है, जिस पर उसने अपने मोमोज का एक बर्तन रखा हुआ था और कुछ डिब्बे थे जिसमें अलग अलग किस्म के मोमोज थे। वो आती है और देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं, और फिर वो गाना गाने लगती है। आई रे खुशी, लाई रे खुशी, आवो सारे खावो रे मोमो। खुशी को ऐसे गाते देखकर वो बच्चे उसके पास आ जाते हैं, और उनमें से एक छोटा बच्चा छोटू कहता है, क्या लाई हो आप? मोमोज लाई हूँ रे छोटू। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे तो सब कुछ पता होता है, मोमोज खाओगे? ए मोमोज क्या होते हैं चाची? मोमोज वो खाने की चीज होती है, चटनी के साथ खाओगे तो बहुत मस्त लगेंगे। कितने के हैं चाची? वैसे तो 70 रुपए के हैं, पर आज ऑफर है मेरे मोमोज पर, कितने भी मोमोज खाओ सिर्फ 50 रुपए में। अच्छा चाची, तो मैं अभी मम्मी को लेकर आता हूँ। फिर सारे बच्चे अपने घर जाते हैं। थोड़ी ही देर में छोटू अपनी माँ को लेकर आता है। ओ कौन है तू और क्या लाई है? क्यों हमारे बच्चों को फुसलाने लगी है? ओ दीदी जी क्यों चिल्ला रही हो इतना, थोड़ा धीरे बोलो। क्या लाई है तू? मैं लाई हूँ मोमोज। क्या तू मोमोज लाई है? नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए मोमोज, पता नहीं कैसे होंगे, अच्छे भी हैं या नहीं। अरे आप एक बार ये मोमोज खाकर तो देखो, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा इसके फायदे क्या हैं। अच्छा तो ठीक है दे दो, वैसे भी हमें ऐसे ही खाने की चीजें पसंद है, मुझे और मेरे बच्चों को। फिर खुशी उन दोनों को मोमोज खिलाती है, और फिर बाकी बच्चे भी उन सबकी माँ को लेकर मोमोज खाने आते हैं, और मोमोज खाकर सबके पेट में एक एक करके भाई गड़बड़ होने लगती है। फिर सब एक एक करके टॉयलेट भागने लगते हैं, और उस गांव में तो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, तो वो सब लाइन लगाने लगते हैं। एक का हुआ नहीं कि दूसरा जाता, और उसका होता नहीं कि पहले वाला फिर से लाइन में लग जाता। ऐसे सब दोपहर से शाम तक बस टॉयलेट ही जाते रहते हैं। फिर दुर्गा अपना पेट पकड़कर खुशी के पास आती है और कहती है, ये क्या खिलाया था तूने हमें कि हम ऐसे टॉयलेट जा रहे हैं बार बार? ये फॉर्मूला है जो आपके पेट को साफ रखता है, जिससे आपके घर में कभी भी कोई पात नहीं मारेगा, तो घर में खुशबू ही खुशबू रहेगी। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तूने हमें जानबूझकर कुछ खिलाया है। और जैसे ही वो खुशी को मारने के लिए हाथ उठाती है, उसके पेट में गड़बड़ होती है, और फिर दुर्गा अपना पेट पकड़ती है और टॉयलेट के लिए जल्दी से दौड़ती है। एक दूसरी औरत जा रही होती है, दुर्गा उसका डिब्बा छीनकर खुद ही अंदर जाती है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। फिर खुशी हंसने लगती है, और सबको बिजी देखकर वो वहां से चुपके से निकल जाती है, और सबके घरों में जाकर सबका अनाज चुरा लेती है। कुछ देर के बाद सब औरतें अपने अपने घर जाकर देखती हैं, तो घर में से अनाज गायब होता है। कुछ देर में सबके पति आते हैं, तो सब औरतें अनाज गायब होने की खबर देती हैं, और सब लोग अनाज ढूंढने निकलते हैं, और देखते ही देखते एक बड़े से मैदान में सारा अनाज होता है, और वहां खुशी होती है। तो दुर्गा उसके बारे में सबको बता देती है कि कैसे इसकी वजह से उन सबका पेट खराब हुआ। फिर गांव के सरपंच उससे कहते हैं, कौन है तू, हमारा अनाज क्यों चुराया है? फिर खुशी जोर जोर से हंसने लगती है, और अलग आवाज में उससे कहती है, नहीं छोड़ूंगी। क्यों सरपंच, भूल गया मुझे, मैं हूँ भवरी। इसके बाद वो अपना रूप बदल लेती है और चुड़ैल बन जाती है, तो सब डर जाते हैं, और वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। जैसे तुम सब गांव वालों ने मुझे मेरा धंधा नहीं करने दिया था, सबने मेरी देसी ठेले का मजाक उड़ाया था और उसे तोड़ दिया था। तुम लोगों को ये विदेशी मोमोज अच्छे लगे ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर चुड़ैल वो सब खाना खराब करने लगती है। सब गांव वाले डर जाते हैं और चुपके से सरपंच वहां से निकलते हैं और पंडित को बुला कर लाते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। फिर पंडित मंत्र पढ़ते हैं और उस चुड़ैल पर कुछ विभूति डाल देते हैं, और वो चलकर खाक हो जाती है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका।
आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए करणवीकपूर@gmail.com पर।